मुझे इजाजत हो बेटा, मैं कुछ कहूँ मिसेस कीथ मेहरा। बोलो मिस्टर मल्हार मेहरा। सोच रहे हैं कि असी ब्याह तो बाद कितने हनीमून तो नहीं लेंगे? हनीमून आ गया हम दबला आ सकते गीत। हनीमून, हनी मतलब होता है शहद, ते मून मतलब चंद्रमा, यानी के शहद चंद्रमा। शहद चंद्रमा। हाँ जी गीत, ब्याह तो बाद दो हस्बैंड वाइफ घर तो दूर घूमन जाते गीत, समझ गए ना? हाँ जी मल्हार साहब जी, मैं समझ गई। हनीमून की होंगे मैं समझ गई। बस एक बार ना टाइम काट के मैं थोड़े कोल बहन का मौका मिल जाना, जिते तुसी होवो मैं होवा साडा प्यार होवे और कोई भी नहीं, जिते मैं थोड़े कोल आ सका होर ज्यादा कोल। गीत गीत मैं I love you गीत, I love you गीत, I love you, I love you, I love you। पापा जी तुसी इत्थे? हाँ मैं इत्थे, मैं ही देख रहा सीगा कि तू अज तक अपने मम्मी पापा नू I love you नहीं किया। नहीं पापा जी वो मतलब नहीं है एक्चुअली। चल पापा जी ने छड़, हुन एक गल मेरे ध्यान ना सुन ले। मैं कई दिनों तो तेनों यह गल कहनी चाहता सीगा कि तेनों ऑफिस जाना चाहिए, हुन मैं चाहना तू कल तो ऑफिस जाया कर। ओके पापा जी। हाँ पर एक गल होर, हुन आपां नूं तानिया दे ब्याह की तैयारी शुरू करनी चाहिए है। हाँ जी पापा, वो सारी तैयारियां तो हो जाएंगी पर ऑफिस कल जाना है। हाँ कल तो तू ऑफिस जाऊंगा। पर पापा जी मैं कह रहा सी के। हाँ हाँ की कहना तू? मेरा मतलब है मैं सोच रहा सी के। तू कदी सोचदा है कदी बोलदा है, सीधा बोल की गल कहनी है मैनू? मैं पूछना सी के, मैं पूछना सी के असी कितने बाहर घूमन चल जाइए। बाहर पर किथे? पापा मैं अपने मुंह किवें बोल सकता? जे तू कहेगा नहीं तो मैं पता कि लगेगा, दस कितने जाना तू? पापा जी एक्चुअली पापा जी मैं हनी। कौन हनी? तू शायद चट्टन जाना कितने? नहीं नहीं मेरा मतलब है कि। की मतलब? एक्चुअली पापा जी असी हनीमून ते जाना सी। कौन कौन है? कौन? रॉकी अच्छा ते ए गल है मल्हार ब्रो गीत नाल हनीमून ते जान दा सोच रहे ने। तू इत्थे खड़ी की करदी है? तुहाडे काम दी गल सुन रही सी। मेरे काम दी गल? हां जी मल्हार ब्रो ते गीत हनीमून ते जा रहे ने। की कहा? हनीमून ते? रुक दो हेलो हेलो सिमोन। हाँ जी कम पुआ बोलो। बहुत टाइम नहीं लेना मैं तेरा, बस तेने बहुत जरूरी गल दसनी सी। मल्हार गीत नू हनीमून ते लेके जा रहा है। मल्हार गीत नू हनीमून ते लेके जा रहा? हाँ हाँ बिल्कुल सही। किड्डी सोहनी लगदी पई है मेरी धी रानी, संगदी पई है मर जानी, साढ़े जवाई को नजर नहीं उठा आनी तेरे उत्तू। मम्मी ऐदा ना बोलो, मैं संघ आती है। संघ तो कुड़िया का गहना होंगी है। आऊगी तुदाला फोन से गल कर। किदे नाल? गीत नाल। होर किदे नाल? गीत। की हाल है मेरी धी रानी का? मैं ठीक हाँ मम्मी जी, तुसी दसो घर सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। मैं सुनिया हुण तेरे वाल भी सब कुछ ठीक हो रहा है।
कहते ने कि तेरे हाथ से बने हुए मालपूड़े बड़े साहब जी ने बड़े स्वाद नाल खाधे ने। हाँ जी बहुत स्वाद लगे सी उन्होंने। मतलब हुण उन्होंने कोई गुस्सा गिला नहीं रहा तेरे नाल? तेनू उन्होंने अपने नूं मान लिया है ना? अब ये गल तो मैनू नहीं पता मम्मी जी, पर जदों मेरी ननान तानिया नूं देखण मुंडे वाले आए सी ना ते पापा जी ने उन्हां दे सामने मेरी बहुत तारीफ की सी। तेरियां सिफतां कीतियां ने? हाँ जी कहिंदे सी साडी नूं गुणां दी गुठली है। ये तो चंगी गल है ना, जे उन्हां दे दिल विच तेरे लई थोड़ी जिही वी जगह है ना तो तैनूं अपना भी लैणगे। हुण तू कोई फिक्र ना कर। फिक्र तो हुण मैनूं कोई नहीं रहा मम्मी जी, जे फिक्र है तो सिर्फ अपनी छोटी भैन दे विआह दा फिक्र है। तो फिर तू ये फिक्र भी ना कर, उसका विआह पक्का हो गया है। सच्ची मम्मी? पिंकी का विआह पक्का हो गया? अच्छा मेरी गल तो कराओ दे ना। हाँ हाँ हुणे करवानी है। ले पिंकी गल कर गीत नाल। हेलो दी किवें हो तुसी? मैं ठीक हाँ ते मैं खुश भी बहुत हाँ, मेरी छोटी भैन का विआह तो पक्का हो गया। मेरे लिए इस खुशी की खबर तो बाद की होर केड़ी खुशी की खबर हो सकती है पिंकी? तुसी हमेशा खुश रहो, थोड़ी दोनों की जोड़ी 7 जन्मों तक बनी रहो। हेलो हेलो पिंकी बोल दी नहीं संग दी पई है मर जानी, तेरियां गल्लां सुन के हसी जांदी है। ब्याह दा चा है ना हुण। चलो कोई गल नहीं, तुसी पापा जी नूं कहो ओ पिंकी दे ब्याह दी फिकर ना करन, हुण पिंकी दे ब्याह दी जिम्मेवारी सारी मेरी है। तुसी जद ब्याह दे दिन बन दित्ते ना उदों दस दिओ, उदों ना दस्यो जदों सारे परौणे घर आके बह गए, ठीक है ना? चल चंगा मैं फिर करदी मम्मी जी गल। पिंकी राणी किन्नी सोहनी लगती पई है, चमा तितली वर्गी, मार खंभ ते पी पी करके आजा बह जा मेरे घर दे बनेरे ते, दस बैठेगी ना? तेनू बहना ही पऊ, हुण बहुते दिन नहीं बचे, तेनू बहना ही पऊ पिंकी राणी, तेनू बहना ही पऊ। हाय शक्कर टोली, हाय पिंकी राणी। हाँ तानिया दस की गल है? मैं बहुत जरूरी गल करनी है पापा थोड़े नाल, तुहानू मेरी गल सुननी भी पएगी ते इस मसले नू हल भी करना पएगा। इदां दा तो कोई मसला है ही नहीं जेके भाजी, ते तुसी अपना काम करो, कोई गल ना सुनो इहदी। तुहानू की लगदा है चाचू कि तुसी इदां बोलोगे ते मेरे पापा मेरी गल नहीं सुनणगे? चल दस तानिया की गल है, डैमट इहनू गल कर लैंदे। आ देखो ना पापा किन्नी लंबी लिस्ट बनाई है इन्होंने मेरे लिए, मैं आपे दे देवांगी पापा जी नू। पापा जी पर ये है की? पापा जी वह सारे कम्मां दी लिस्ट है जिहड़ी तुहाडी प्यारी धी नू सिखने चाहिए ने। सवेरे जल्दी उठना, झाड़ू पोचा, घर दे सारे काम करने ते पूजा करनी, ए बस ए उन्हां कम्मां दी लिस्ट है। हाँ जी पाजी असीं सारयां ने तसल्ली नाल बह के बनाई है लिस्ट, पर तुहाडी लाडली किसी दी गल सुणदी ही नहीं। पर मेरे पल्ले तुहाडी गल हजे भी नहीं पई, तुसीं ये लिस्ट क्यों बनाई है ते तानिया नूं की समस्या है ये लिस्ट नाल? हुण इहदे विच समझण वाली कीहड़ी गल है पापा जी, हुण तानिया दा विआह हो रहा है, ओह नवें घर जा रही है ते उत्थे जाके इहनूं इक कम्मकाज तां करना ही पैणगे ना। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਏ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ। ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹੁਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਨਿਆ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤਾਨਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤਾਨਿਆ ਕਰ ਲੂਗੀ ਆਰਤੀ? ਫਿਰ ਤਾਨਿਆ ਆਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। फिर तुसी दसो पापा जी तान्या तो तुहाडी हेठ ही कराऊगी ना हर बार अपने सहुरे घर? हाँ इहनू तां किसी ने कुछ नहीं कहना,
पर साड़ी हेठी होगी। तेरी गल बिल्कुल सही है अरजीत। नहीं नहीं तुसी बिल्कुल टेंशन ना लो पापा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होएगा। तान्या दे सहुरे घर तुहाडी शान दे खिलाफ बोलन दा मौका किसे नूं नहीं मिलेगा। ते उहदे वास्ते तां तान्या दी तैयारी बहुत जरूरी है ना पापा जी। असीं तां अज ही ट्रेनिंग शुरू करन दे हक विच आ, पर इह ना किसे दी गल ही नहीं सुनदी पई, ते मैं सुननी भी नहीं। मैं नहीं कर सकदी इह सारा कुछ, ते हुण तुसीं धक्के ना कराओगे मैथों काम। धक्के नाल नहीं तान्या, तू तां आपे ही करेगी, सीखना तां पैणा ही है ना इह सारा कुछ तां। हाँ तान्या, ते जे तू ना काम कीता ते तेनू सहुरे घर च 100 चो एक नंबर भी नहीं मिलना। नमस्ते अंकल जी, क्यों रहे थे? तुसी सारे जाने कट्ठे होके केड़ी जरूरी सलाह कर रहे हो? ए तू पूछ रहा है? ए सारा पंगा तेरा ही तां पाया होया है। मैं की कीता हुण? तू एदी छड़ आकाश, तू दस बेटा कोई काम सी तेनू? हाँ जी अंकल जी, अब डैड ने तुहाडे नाल गल करनी सी कोई। तुसी करो अपनी गल्लां, मैं चलनी हां। तान्या फड़ो ना, तान्या किधर किधर वो रोकित। हाँ जी पापा जी। एक गल दा ध्यान रखी, मेरी बेटी दा ब्याह। पापा जी तुसी एदां क्यों कह रहे हो? तुहाडी बेटी मेरी ननान भी तां है ना। हाँ, तेरे ननान दे ब्याह दी जिम्मेदारी हुण सारी तेरे सिर उत्ते है, क्योंकि जसलीन जी ने मेरा हाथ दी चाबियां तेरे हाथ विच फड़ा दित्तियां ने ना। हुण मैं तैनूं बहुत वड्डी जिम्मेदारी देण जा रहा। दस गीत, निभाएगी ना जिम्मेदारी? ऐडा कुछ यकीन तां मैं तेरे उत्ते कर ही सकदा ना। पापा जी मैं यकीन दे काबिल हाँ या नहीं ये तो तुसी मेरे तो बेहतर दस सकते हो। दसो केड़ी जिम्मेवारी निभाउण दी गल करदे पे हो? मेरी बेटी दे ब्याह दी जिम्मेदारी मैं चाहना गीत। तान्या दे ब्याह दा सारा काम तू अपनी देखरेख विच करे। इहदा मतलब ये होया कि अज जे के मेरा ने भी मान नहीं लिया है कि मल्हार ने किसी गलत कुड़ी नू नहीं चुनिया। ते जेके दी मतरेई मां शकुंतला मेहरा ने एवें नहीं गीत दे सिर उत्ते हाथ रख दिता। गरीब होण नाल कोई छोटा नहीं हो जांदा जेके। हुण इह वेला इहनां गल्लां करन दा नहीं है। तुसीं छड्डो इहनां गल्लां नूं, तूं दस गीत, तू तान्या दे ब्याह दी जिम्मेदारी चुप सुप दी है कि नहीं? पापा जी तुसे मैंने पहली बार कोई काम किया, ते कोई जिम्मेवारी या बोझ नहीं है, ये तुहाडा आशीर्वाद है। ते तुहाडे आशीर्वाद दा मुल मैं जरूर पावांगी। तुसी फिकर ना करो पापा जी, तुहाडे धी दे ब्याह दा छोटे तो छोटा काम मैं अपने हाथी करांगी, कोई कमी नहीं आन देवांगी अपने ननान दे ब्याह च। मैनू लगता है जेड़ा काम इन्ने सालों तो मेथों नहीं होया ते मेरे तो बाद मेरी वड्डी नू जसलीन नहीं कर सकी, वो काम अज गीत ने कर दिता है। केड़ा काम? सारा कुछ मेरे मुँह ही सुनना है। गीत एक ढोली दी कुड़ी है, गरीब घर विच जम्मी अनपढ़ कुड़ी, यही कहिंदा हुंदा सी ना तू गीत नू। ते अज जलंधर दा वड्डा बिजनेसमैन जे के मेहरा उन्हों ही अपनी धी दे व्याह दी जिम्मेवारी दे रहा है। अज तो सच्ची गीत उत्ते माण जिहा हो गया मैनू। मैं गीत उत्ते किन्ना कु माण कर सकदा इह तां हुण तान्या दे व्याह तो बाद ही पता लगेगा। जे गीत ने तान्या दा व्याह प्रोपर सिरे चढ़ा दिता ते फिर मैं भी मान लवांगा कि मल्हार ने मेरा हाउस लई परफेक्ट नो चुनी है। ते जे ब्याह दे विच कोई कमी पेशी रह गई ते फिर यह साबित हो जाएगा थोड़ा सारे का फैसला गलत है। गीत मेहरा परिवार की नौ बनन के काबिल नहीं है। मैनू गीत उत्ते पूरा यकीन है, तू आपे याद कर लै जिदन तान्या नू मुंडे वाले वेखण आए सी उदन गायत्री मंत्र तो लैके मक्की दी रोटियां तक
तेरी तो पिठ नहीं लगन दिती गीत ने। तू देख लवी अगे नू भी गीत कदे तेरा सिर नीवा नहीं होन देगी। ये तुसी बिल्कुल सही कहा चाचा जी, हुण तुहाडी भतीजी का विआह जो होने वाला, तो घर का काम तो सीखना ही पैंदा कुड़ियां नू विआह तों पहलां। आकाश तू तू तो चुप ही कर जा, ना तो मैं कोई काम सीखना है ते ना करना है। एक मिनट मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी कौन? की मैं गीत नाल गल कर सकदा? अवतार किशन बोल रहा मैं। हाँ जी हुने करानी आ। गीत भाभी थोड़े लिए फोन है। मेरे लिए फोन? हाँ जी। हेलो गीत, पर कौन बोल रहे? मैं अवतार किशन बोल रहा हूँ गीत। नमस्ते उस्ताद जी। नमस्ते गीत, तेरे लिए खुशखबरी है, तू रिदम कंपटीशन वाले दा विसाखी वाला राउंड पास कर लिया है। सच्ची उस्ताद जी? हाँ, पर हुन अगले राउंड और भी मुश्किल होंगे गीत, एक दो नहीं पांच राउंड ने फाइनल तक, ते सारे जितने ने तदे मुकाबला जितते जाना हुन। अगले राउंड तेनू सच्ची हुन उस्ताद दी लोड़ पेगी गीत। मैं माफी चाहनी उस्ताद जी, पर ये नहीं हो सकता। पापा जी ने मैंने सख्त हुक्म दिता कि मैं ना थोड़े ना गल करा ते ना ही मैं थोनू मिला। हाँ मैं समझदा गीत, पर कॉम्पीटिशन वाले ने मैनू तेरा मेंटर बनाया, जे मैं ही तेरी तैयारी ना कराई तो उत्थे की करेंगी? मैं थोड़ी गल समझदी उस्ताद जी, पर मैं थोनू मिल नहीं सकती। एकलव्य की कहानी तो तुसी सुनी होनी है, हुण मैं जो कुछ सीखना थोड़े तो दूर रह के सीखना पेगा। मैं थोड़े संगीत सुन सुन के ही सीखांगी उस्ताद जी, ते मुकाबला जरूर जितांगी, यही मेरी तपस्या है। पर यह तपस्या जिन्नी औखी लगती है असल विच उस तो बहुत ज्यादा औखी है। एकलव्य नूं भी तो अपना अंगूठा गवाना पिया सी ना। पर मैं कुछ नहीं गवावांगी उस्ताद जी, मैं जितांगी। मैं जितांगी उस्ताद जी, जरूर जितांगी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते सिमान, तू इत्थे? हाँ जी अंकल जी, बड़ी चंगी किस्मत है ना मेरी, बिल्कुल सही टाइम ते आ गई मैं तुहानू इनवाइट कर। सही टाइम ते इनवाइट करन, मैं कुछ समझा नहीं। हाँ जी मैं तुहानू इनवाइट करन आई सी, ते कादे वास्ते ओ मैं बाद च दसदी हां। पहला मैं तुहानू थैंक यू तो कह देवां, क्योंकि मेरे इत्थे टाइम ते आउण नाल मैनूं इह पता लगा कि जेके अंकल दे मना करन दे बाद वी गीत कॉम्पीटिशन विच गई सी ते उत्थे पहला राउंड क्लीयर वी कर लिया। तुसी ते गीत जेके अंकल नूं धोखा दे रहे हो, तुहानूं पता है ना अंकल, जे गल जेके अंकल नूं पता लगेगी तां की होवेगा। तुसी डरो ना अंकल, मैं उन्हां नूं कुछ नहीं दसांगी। सिमोन तू ए दस इत्थे करन की आई है, किहड़े इनविटेशन दी गल कर रही है? दसदी हां ओह भी दसदी हां, पहलां तुसी मैनूं इह दसो कि तुहानूं पतंग उड़ाउणा आउंदा है अंकल? पतंग? हाँ पतंग, जदों पतंग नूं उड़ाया जांदा है ना तां सब तों पहलां उहनूं ढिल दित्ती जांदी है ते फिर खुल्ली हवा च उड़ाया जांदा। गीत नूं वी मैं इसे तरह ढिल ही दे रही हाँ अंकल, ते जदों पेचा पै गया ना तां ऐसा तुनका मारूंगी ओदी गुड्डी आई वो हो जाएगी ते फिर कित्थे जाके डिगेगी ये तो मैनू भी नहीं पता अंकल। तू गीत दा कुछ नहीं बिगाड़ सकदी सिमान, गीत ते जो मेरा विगाड़ना सी ना विगाड़ लिया है अंकल, हुण वारी मेरी है।
मेरे को मेरा मल्हार खोया है उन्हें, ते हुन जब तक मैं उदे को मल्हार नु खो के दोबारा हासिल नहीं कर लेंदी ना, तद तक मैं चैन नाल नहीं बैठांगी। ते उदे वास्ते गीता नुकसान तो होएगा ही होएगा ना अंकल।